कुछ रूमर्स के मुताबिक सैमसंग अपने अगले S25 सीरीज में स्नैपड्रैगन चिपसेट के बजाय मीडियाटेक चिपसेट यूज करने वाला है एंड इससे बेस और प्लस मॉडल्स में प्राइस में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सो वेलकम बैक गाइस, केन हियर। सैमसंग ने अभी तक अपने डिवाइस में सिर्फ दो ही चिपसेट यूज किया है, स्नैपड्रैगन और ओन फाउंड्री एक्सिनोस। ग्लोबली सैमसंग अपने अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चिपसेट के साथ लॉन्च किया है सिवाय अल्ट्रा मॉडल्स के। कुछ रूमर्स के मुताबिक सैमसंग आने वाला गैलेक्सी S25 प्लस वेरिएंट लॉन्च नहीं करेगा। इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, उनमें से एक है स्नैपड्रैगन चिपसेट। यस, स्नैपड्रैगन चिपसेट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज करने की वजह से सैमसंग भी अपने डिवाइस के प्राइस भी बढ़ा रहा है। अपने खुद के एक्सिनोस फाउंड्री होते हुए भी सैमसंग इस स्टेप को लेने के लिए मजबूर हो रहा है। इसी रीजन की वजह से कुछ रूमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैमसंग अपने प्लस वेरिएंट को लॉन्च नहीं करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है एंड सैमसंग ऑफिशियली भी अनाउंस नहीं किया है एंड अपने प्लस वेरिएंट को लॉन्च ना करना सैमसंग के लिए बहुत मुश्किल भी है। इसके बजाय सैमसंग खुद के अपने फाउंड्री एक्सिनोस चिपसेट को ही R&D करके उसी को ही और भी बेहतर बना के अपने डिवाइस में यूज कर सकता है। कोरियन न्यूज के मुताबिक सैमसंग अपने यस सीरीज के लिए एक न्यू स्ट्रेटजी अपना रहा है। स्नैपड्रैगन चिपसेट के प्राइस हाइक की वजह से सैमसंग यहाँ पे 3-pronged चिप स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है। मीन्स ये है कि सैमसंग अपने एम को रीच करने के लिए 3 अलग अलग चिपसेट यूज करेगा, स्नैपड्रैगन और एक्सिनोस के अलावा मीडियाटेक डायमेंसिटी चिपसेट को भी यूज करेगा। हो सकता है कि सैमसंग एक अलग ही गैलेक्सी S25 वेरिएंट को लॉन्च कर दे जो मीडियाटेक डायमेंसिटी चिपसेट से पावर्ड हो। डेफिनेटली सैमसंग इस चिपसेट को अल्ट्रा मॉडल में यूज नहीं करेगा। अगला न्यूज ये है कि गूगल पिक्सल डिवाइस का वीडियो लीक हुआ है। पिक्सल 9 सीरीज लॉन्च के लिए अभी टाइम है, पर उससे पहले हैंड्स ऑन वीडियो लीक हुआ है। न्यू गूगल पिक्सल 9 पिंक कलर में है जो ऑफिशियली अनाउंस्ड है एंड पिक्सल 8 के मुकाबले गूगल ने डिजाइन में राउंड एजेस के बदले में फ्लैट एजेस यूज किया है। एंड इंटरेस्टिंगली गूगल ने अपना इवेंट को 2 महीने पहले ही प्रीपोन किया है। इसकी एक मेन रीजन है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। यस, गूगल ने AI डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट किया है, तो गूगल नहीं चाहता है कि इस एडवांटेजेस को मिस करें। एंड कुछ ही टाइम पे सैमसंग और एप्पल के डिवाइस भी लॉन्च होने वाले हैं जो AI पावर्ड होंगे। सो गूगल August 13 के दिन इवेंट कंडक्ट करने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। एंड न्यू A सीरीज सॉफ्टवेयर अपडेट्स न्यूज इस वीडियो में है। एंड ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।